लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज प्लैनेट समाचार ग्रह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेरवास पठान ने एवं कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि की सादगी के साथ मनाया। पुण्यतिथि को मनाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेरवास पठान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लल्लू सिंह पर किए गए सरकार द्वारा व्यवहार पर रोष जताया और उनके रिहाई की मांग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज देश का मजदूर जर्जर हालत में है और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता देश के किसान एवं मजदूरों को नहीं दी जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी यूसुफ रजा असगरी, रिजवी इलियास, कुरैसी मोहम्मद अदनान, अजहर खान, राजीव लोचन, जाने आलम खान साहब एवं अन्य लोग मास्क लगाकर उपस्थित रहे। चांदपुर से तारिक शेख की रिपोर्ट। आज जो ये आपका प्रोग्राम आपने किया है, क्या उद्देश्य है, क्या इसके बारे में? आज इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। इस पर हम सब पार्टी के लोग पंडित जी को खराज खिदमत पेश करते हैं और उसके साथ काली पट्टी बांधने का उद्देश्य ये है कि जो जालिम सरकार है उस सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना। आपने भी देखा होगा कि हजारों हजारों किलोमीटर दूर चल करके प्रवासी मजदूर जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जो हमारे भाई हैं, जो गरीब तबका है, वो देश की रीढ़ की हड्डी है, उन लोगों का दुख और दर्द देखते हुए आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी ने 1000 से ज्यादा बसों की व्यवस्था कराई, लेकिन इस जालिम सरकार ने उनको इस रूप में जो इस वक्त 45 से 47 का डिग्री का सेल्सियस है, इस धूप में उन्हें हम बस दे रहे थे। आदरणीय दीदी ने कहा कि कोई भी अपना झंडा बैनर लगाओ, हमारा उद्देश्य, कांग्रेस का उद्देश्य हमेशा इस देश की सेवा करना रहा है, ना कि सत्ता। जब जब देश की जनता ने चाहा है तो सत्ता मिली है, लेकिन कभी भी कांग्रेस जनसेवा से पीछे नहीं हटा और पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस जनों ने यह अभी भी साबित कर दिया कि कांग्रेसी सेवक है, कांग्रेसी सेवा करना जानता है। हमारे दोनों बड़े नेताओं ने 1000 से ज्यादा बसों का व्यवस्था की, लेकिन जालिम सरकार ने एक भी बस की व्यवस्था नहीं होने दी, ना ही श्रमिकों को बसों से जाने दिया। हमारा विरोध है कि हमारी अगर बसें वापस भेजी थी तो कम से कम सरकारी बसें इतनी हैं, सरकारी ट्रेनें इतनी हैं, सरकार आप हैं, आप चाहते तो वो सारी व्यवस्था सिकंटों में कर सकते थे कि जो हमने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके, कांग्रेस संगठन ने जो व्यवस्था करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके की, वो व्यवस्था अगर आप चाहते तो आप सरकार हैं, आप मिनटों सिकंटों में फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। और तो और सबसे बड़ा जो है दर्दनाक इसमें और एक बहुत ही एक काला प्रश्न ये बना कि उस सेवक को जो उन लोगों की सेवा करना चाह रहा था, हमारी पार्टी के बहुत सारे जिलाध्यक्ष जिन्होंने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से साझा रसोई का काम कर रहे थे, चाहे वो सीतापुर के हो, चाहे बहराइच के हो, बहुत सारे जिलों के जो है लोग हैं, बहुत सारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे पंकज मलिक साहब हैं जो प्रदेश के उपाध्यक्ष, वीरेंद्र कुमार गुड्डू जी हैं, उन सबको मुकदमे, झूठे मुकदमे लगाने का सरकार ने काम किया। इससे बड़ा जो है, इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती। ऐसा कभी अंग्रेजी शासनकाल में भी नहीं हुआ। अंग्रेजी शासनकाल में भी यदि कोई पब्लिक की सेवा करता था।